जंगल। सिवान से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जेल हुआ है एक दूसरे कैदी का, लेकिन जेल से रिहा हो गया कोई दूसरा कैदी। यानी कि डकैती मामले में दो अभियुक्तों को जेल हुई थी और गुठनी में राम सकल तिवारी के यहाँ जनवरी में डकैती हुई थी, और उसी मामले में दो ही युवक जो एक नाम के थे, गुल मोहम्मद नाम के युवक थे, एक था गुठनी के ओजोखोर का रहने वाला और दूसरा असाव थाना इलाके के सहसराव का रहने वाला, और दोनों ही डकैती के मामले में सिवान मंडल कारा में बंद थे और उस मामले में एडीजे 3 के यहाँ सुनवाई चल रही थी। हालांकि एक जो सुनवाई नूर गुल मोहम्मद की जो चल रही थी उसमें उसका जो है सिवान के कई कोर्टों से यहाँ से मामला खारिज कर दिया गया था, और वो मामला आज जो है कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, जो कि गुठनी के ओजोखोर गांव का रहने वाला गुल मोहम्मद है, और दूसरा गुल मोहम्मद जो कि असाव के सहसराव गांव का रहने वाला है, उस गुल मोहम्मद को एडीजे 3 राजकुमार जी के अदालत ने कल वहां से जमानत दिया, लेकिन कोर्ट के कर्मियों की कुछ लापरवाही से जेल में जो रिलीज ऑर्डर भेजे गए उसमें कुछ गलतियां हो गई, और उसको लेकर के जिसका मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित था उस गुल मोहम्मद को सिवान जेल से छोड़ दिया गया और वो आज खुलेआम घूम रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस गुल मोहम्मद को गलती से छोड़ दिया गया है उनके अधिवक्ता हमारे साथ अनिल तिवारी यहाँ पे मौजूद है, और इनसे हम बात करेंगे कि सर पूरा मामला क्या है, कितनी बड़ी लापरवाही है और किस केस में इन दोनों का यहाँ पर मामला लंबित था, जैसे कि एक पटना में था और एक यहाँ चल रहा था, ये सर बताया जाए। एक्चुअली एक ही केस में दो गुल मोहम्मद है, एक गुल मोहम्मद है, एक गुल मोहम्मद ललन नट जी। ये कार्यालय के लिपिकी भूल बस गलती से रिलीज चला गया है, कोई खास इसमें बात नहीं है जी। और हम प्रयास करेंगे, चूंकि जो हमारा क्लाइंट है जिसका रिलीज नहीं होना था गलती से रिलीज हो गया, उसको हम न्यायालय में समर्पण करने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। ये सर मामला कब का है और क्या कुछ हुआ था, किनके यहाँ घटनाएं घटी थी, तो उसमें क्या इन दोनों पे केस दर्ज हुए थे? दोनों में केस दर्ज है, 395 का केस था डकैती का जी। इन पर तीन केस लंबित हैं। अच्छा, दरौली 4 गुठनी थाना कांड संख्या 419, गुठनी थाना कांड संख्या 519 और एक दरौली थाना कांड संख्या 112-19। इसमें से दो में जमानत मिल चुका है हमारे मुवक्किल को, और एक का जो है कि राजकुमार जी के न्यायालय से एडीजे 3 के न्यायालय से खारिज हुआ, माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उसमें डायरी मांगी गई है, सीजीएम साहब डायरी भेज चुके हैं लेकिन लिपिकी भूल बस रिलीज चला गया है। तो हम सीजीएम साहब से मिलेंगे, आग्रह करेंगे कि वो रिलीज वापस करें और क्लाइंट को हम सरेंडर कराएंगे, यही और कुछ भी। तो सर आपको कब पता चला कि जैसे कि कल बेल हुआ है, आपको कितने बजे लगभग पता चला कि वकील संडे को सुबह फोन किया किसी माध्यम से कि मेरा बेल हो गया है। हम सुनकर अवाक हो गए कि बेल कैसे हो गया भाई, तो नहीं हम जेल से छूट गए, तो हमें लगा कि जेल की कोई लापरवाही है। हम कल जाकर सीजीएम साहब के रिकॉर्ड का हमने मुआयना किया, रिकॉर्ड में हमने देखा और वहाँ के लिपिक से हमने पूछताछ किया, तो लिपिक भयभीत लगा हमको और वो बोला कि मामला को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। हमने मामला को छोड़ दिया और पता नहीं कैसे कैसे मामला हाईलाइट हो गया। इसकी जानकारी कौन से लिपिक से आपकी बातचीत हुई वहाँ पे, क्या नाम था उनका? अब लिपिक तो वहाँ अभय सिंह है जी। और एक हम जायज नहीं कहेंगे, छोड़िए, जायज वाले भी नए हैं और कुछ है लोग सहयोगी लोग हैं जी। उन्हीं लोगों से हमने बातचीत किया कि भाई ये कैसे हो गया, हम लेकर गए हैं सरेंडर कराने के लिए और हमने क्लाइंट को लेकर गया था वहाँ पर, ये लोग कहे छोड़िए ना बेल हो गया तो अच्छा ही नहीं हुआ, मामला को छोड़ दीजिए आप यहीं पर। यानी कि जमानत जब मिला उस गुल मोहम्मद को, उसके बाद आपके क्लाइंट आपको सूचना दिए कि जब मामला लंबित है उसके बावजूद भी मुझे जेल से छोड़ दिया गया, तो आप अचंभित हो गए और उसके बाद आप उसको सिलेंडर कराने के लिए कोर्ट में लेकर गए 10:30 बजे सुबह, लेकिन उसके बावजूद कार्यालय रिकॉर्ड देखा, कार्यालय लिपिक बोले सुनिए ना इस मामला को आप छोड़ दीजिए यहीं पर, जब बेल होना था आपको बेल ना चाहिए, बेल हो गया तो क्या दिक्कत है आपको, आप छोड़ दीजिए, और हमने क्लाइंट को छोड़ दिया, यही बात हुई है। उसके लेकिन आप एडवोकेट होने के नाते आपको ऐसा लग रहा था कि जो जिनविन है वो अभी जेल के अंदर बंद है, तो जाहिर तौर पर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट, बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन जेल में बंद है कौन नहीं है, हमें हमारे अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी है कि वह कहा कि हमसे हम जेल से छूट गए हैं, हमने सरेंडर कराने ले गया, न्यायालय के लिपिकों द्वारा कहा गया कि मामला को आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हुई है, बेल ही नहीं चाहिए आपको, आपका बेल हो गया है,
और क्लाइंट इतना सुना, इतना सुनने के बाद वो फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब आप उसको आत्मसमर्पण कराने के लिए ले गए थे तो उनको लग रहा होगा लिपिक को कि कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, हम पकड़े जाएंगे, हमारे पे कार्रवाई हो सकती है, और इस तरह से उन्होंने कहा कि बेल चाहिए था, जाइए अब तो मिल निकल। मे भी हो सकता है एकदम हो सकता है, चूंकि एक कार्यालय लिपिक अनुभवी आदमी है, उनका रात दिन का वही काम है। इसके बावजूद भी वो ऐसा शब्द कहे कि आपको बेल ही ना चाहिए, बेल हो गया, मामला को आप छोड़ दीजिए, इसके बावजूद भी जो है कि हमको हटा दिया गया। हम सीजीएम साहब से मिलने का बहुत प्रयास किए, लेकिन कहा गया कि नहीं आप छोड़ दीजिए मामला को, नहीं मिलने दिया। सर, इस तरह का कभी मामला इसके पहले कभी आपके सामने आज तक जब से आप ये वकालत कर रहे हैं कभी इस तरह का मामला सामने आया है? 20 साल का प्रैक्टिस है ऐसा, तो आज तक हमने सुना भी नहीं है। मामला तो आना दूर की बात है, आज तक हमने सुना भी नहीं है आज तक। तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका की एक बड़ी चूक मानी जाएगी, उनके कर्मियों की बड़ी चूक मानी जाएगी। ऑफकोर्स निश्चित ही एक चूक है, बहुत बड़ी चूक। तो सर अब क्या होना चाहिए, जिसे जमानत मिली है उसको बाहर आना चाहिए या फिर ऐसे ही ये जिसे जमानत मिली है वह बाहर आया नहीं आया ये मामला हमारा नहीं है। हमारा मामला हमारे अपने क्लाइंट तक सीमित है। हम कल फेयर हैंड अपने क्लाइंट को लेकर गए न्यायालय में आत्मसमर्पण कराने के लिए, कोर्ट कर्मियों द्वारा मना कर दिया गया, हमारा जो है क्लाइंट जो है चला गया। अब हम अपने क्लाइंट को प्रयास कर रहे हैं, खोज रहे हैं, अपने बड़े पदाधिकारी से हम मिलेंगे, सीजीएम साहब से मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि गलती चाहे जैसे भी हुई रिकॉल को वापस कीजिए और अपने क्लाइंट को हम सरेंडर कराने का प्रयास करेंगे यथासंभव यथाशीघ्र। चलिए, ये थे सिवान के एडवोकेट हैं अनिल तिवारी जी, और इनसे हमारी बातचीत हुई। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे अपने क्लाइंट के माध्यम से जानकारी हुई, गुल मोहम्मद जिसका मामला अभी पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, उन्होंने इनके इनको फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी, तो तुरंत ये उसे ले करके और ADJ 3 के यहाँ जो भी कोर्ट हो कोर्ट में ये ले करके आत्मसमर्पण करने के लिए कराने के लिए लेकर पहुँचे। लेकिन वहाँ भी लिपिक के द्वारा इन्हें कहा गया कि जाइए आप आपको बेल ही ना चाहिए था, तो जब आपके क्लाइंट बाहर निकल गए हैं तो आप ले करके जाइए, थोड़ी बहुत चूक हो गई है। तो कहीं ना कहीं लिपिक की भारी गड़बड़ी है, और उनके साथ रहने वाले जो उनके सहयोगी हैं उनकी भी गड़बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे गुल मोहम्मद को जमानत मिल गई और आज वो बेचारा जेल के अंदर है, उसके परिजन उसे उसके आने की राह में लगे थे कि गुल मोहम्मद जो है वो आएगा और फिर घर में खुशी आएगी, लेकिन आज भी जमानत मिलने के बाद भी उसके घर अंधेरा छाया हुआ है। और दूसरा गुल मोहम्मद जिसका पटना में उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, आज उसके यहाँ खुशियाँ पहुँच चुकी है और वहाँ पर खुशियों का अंबार लगा हुआ है, सारे परिजन खुश हैं। लेकिन जिस तरह से एडवोकेट का कहना है कि मैं फिर उसे सरेंडर कराऊंगा, और CGM साहब से इन्होंने अनुरोध किया है कि उसे सरेंडर करा करके मामला उनका लंबित है तो उनके साथ जो कार्रवाई है उसके साथ आगे बढ़ा जाए, और जो भी दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की इन्होंने मांग भी की है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सिवान जेल में बंद जिसे जमानत मिली है वो गुल मोहम्मद कब तक सिवान जेल से बाहर होगा, या फिर ऐसे ही जो गलतियाँ हुई है और उसके माध्यम से जिस तरह से दूसरे गुल मोहम्मद को जो जमानत मिली है, क्या ऐसे ही वो खुलेआम घूमते रहेंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजरे आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।